फ्रेंड्स आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है कुछ बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही थी उसको लेकर सीबीएसई ने ट्वीट किया है। और साथ ही साथ आज क्या क्लास 10 का इंग्लिश पेपर हुआ है, क्या सीबीएसई एक ग्रीन सिग्नल दी है कि अगला पेपर हम लोगों का इसी तरह से इजी होगा, लेकिन बहुत सी इसमें इश्यू देखा गया क्योंकि सीबीएसई ने बहुत से गाइडलाइन जो जारी की थी उस गाइडलाइन को पूरी तरह से कंप्लीट हुआ या नहीं। जब हमने आज एग्जामिनेशन सेंटर पर जब रिव्यू लेने गए थे तो बहुत सी बातों को भी पता चला है, और ये भी पता चला है कि एग्जामिनेशन जो सेंटर जो बच्चों को दिया गया था वो काफी दूर दिया गया था, जिसके कारण से कुछ बच्चे मात्र 2 मिनट 3 मिनट भी हो गए तब भी उसे एंट्री नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ ट्वीट के बारे में और पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये भी भ्रम में आप ना रहे कि आपको टर्म 2 एग्जाम नहीं देंगे तो आप पास आउट हो जाएंगे, अभी पूरी तरह से ये पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि इसके लिए क्या सीबीएसई रूल लाएगी ये अभी आप बहुत चीज है, इसलिए टर्म आपको अच्छे रिजल्ट करना होगा तो टर्म 2 के लिए आपको एग्जाम देना होगा। तो सीबीएसई ने यहां पर एक ट्वीट जो करके ये देखिए यहां पर स्लाइड लगा हुआ है। बहुत से क्या होता है सोशल मीडिया में फेक न्यूज चल जाता है। कल ही परसों वेबिनार जब हो रहा था तो कुछ बच्चे ने कहा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, मैंने बार बार कहा था कैंसिल नहीं हुआ है, वो भी एक फेक न्यूज नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये भी एक फेक है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अनसीन क्वेश्चन पेपर शुड बी पेक इमीडिएटली आफ्टर द स्टार्ट एग्जामिनेशन, नो कैंडिडेट इज अलाउड इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 11:13 PM, आंसर शीट मस्ट बी द काउंट पर्सनली पैक्ड पैक्ड एंड सील इन योर द प्रेजेंस पर ऑब्जर्वर गाइडेंस इंस्ट्रक्शन एज सून एज द एग्जामिनेशन इज ओवर। ठीक है, यहां पर पूरी तरह से ये जो आप जो बहुत से क्वेश्चन पेपर बच जाते हैं वो पेपर को ऑब्जर्वर के सामने ही सील करना पड़ता है, लेकिन ऐसा यहां पर बताया जा रहा है कि आप सील नहीं कर सकते। इस तरह का थोड़ा सा मिसगाइड किया गया है, उसको सीबीएसई ने क्लियर करके ट्वीट करके कह दिया कि ये फेक है 100% फेक, सीबीएसई का ऑफिशियल ट्विटर से ये ट्वीट किया गया। लेकिन यहां पर आज जो इंग्लिश पेपर जो हुआ वो इंग्लिश पेपर काफी बच्चों का अच्छा गया है, ओवरऑल सारे बच्चे का पेपर आज बहुत अच्छा गया है। इस तरह से बच्चे ने यह भी कह रहे हैं कि टर्म 1 के रिस्पेक्ट में टर्म 2 का पेपर बहुत ही इजी था। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक सीबीएसई ने हम सबको एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप बेसिक चीजों से जरा सा पढ़ ले और अच्छी तरह से पढ़ ले और आपका पेपर अच्छा जा सकता है, क्योंकि अभी मैथ साइंस एसएसटी बाकी आपके मेन पेपर और 40/40 आप मार्क्स ला सकते हैं। और सीबीएसई इस बार इस क्वेश्चन को जो बना रही है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना रही है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। लेकिन कुछ इश्यू देखने को मिला कि एग्जामिनेशन सेंटर जो काफी दूर है बच्चों का और वो टाइम पर नहीं पहुंच गए बच्चे, तो जिसके कारण उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का अलाउ नहीं मिला है। तो स्टूडेंट्स अगला एग्जामिनेशन में आप जरूर बैठिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर आप टर्म 2 छोड़ दिए हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि स्टूडेंट प्लीज आप टर्म 2 एग्जामिनेशन में जरूर बैठिए, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि 2 या 1 पेपर छूट जाता है तब उस पर क्या रूल लाएगी या अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, इस पर क्लियरेशन नहीं किया है वेबिनार में। सो एग्जाम में जरूर बैठिए और अच्छी तरह से कीजिए। अगर आप 40/40 एग्जामिनेशन में लाना चाहते हैं और अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास काफी वक्त है, क्योंकि कहते हैं कि डूबते हुए एक टिंके का सहारा होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास बहुत से पेपर बचे हुए हैं जहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो गाइस कल से हम लोग जो है कैप्सूल कोर्सेज को स्टार्ट कर रहे हैं जहां मैथ साइंस और SSC को पूरी तरह से करेंगे, जो PDF फाइल के रूप में भी आपको मिलेगा, वीडियो के रूप में मिलेगा और क्लासेस भी उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से मिलेगा। सो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर तक कीजिए। आज इस वीडियो में बस इतनी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।